हेलो बुकड़ो, आज बहुत प्यारी सी जगह पे आई हूँ। आज आ गई हूँ मैं द बिट ग्रिल में। आई हूँ यहाँ ट्राई करने अनलिमिटेड बफेट, जो सबसे लोवेस्ट प्राइस में लखनऊ में है। तो ये जो जगह है ये है प्लासियो में, सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ पे मिलने वाला है हमें अनलिमिटेड खाना। तो अंदर चले लेके, चले देरी किस बात की करते हैं। तो आओ लेके चलती हूँ आप सबको, अंदर का दिखाती हूँ। माहौल देखो, यहाँ भीड़ देख रहे हो अंदर। शाम का वक्त है, शाम के रात के 10 बज रहे हैं शायद नहीं, हाँ 10 ही बज रहे हैं। अभी देखा मैंने, अभी पता किया है। तो यहाँ भीड़ देख रहे हो कितनी ज्यादा है, कुछ तो लाजवाब होगा ना। मैं अभी भागे भागे चली आई द बिट ग्रिल में देखने यहाँ पे क्या क्या है। और तू बता रही थी कि अनलिमिटेड बफेट है, बारबेक्यू बफेट है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए। तो ये देखो हमारे लिए आ गया स्टार्टर, जहाँ पे इतना सारी चीजें आई हैं। ये 28 आइटम्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आया है मोमोज, और अभी हमारे लिए पिज्जा नहीं आया, पिज्जा आएगा। और गोलगप्पे आए हैं, चिकन भी खाती हूँ मैं, तो नॉनवेज भी मंगा लिया मैंने। विंग्स मंगाए हैं, लेग पीस मंगाई है, चिकन लेग पीस है। उसके अलावा ड्रिंक्स हैं, उसके अलावा ये बहुत अच्छा बारबेक्यू है इनका, जो नॉनवेज भी है और वेज भी है, जहाँ पनीर टिक्का भी है। और उसके अलावा पिज्जा भी आ गया है हमारे लिए, शेफ लेके आ रहे हैं भाई साहब। इतनी तैयारियां होते मैंने कभी नहीं देखी, आज इतनी तैयारियां हो रही है। उसके अलावा यहाँ की भीड़ और यहाँ का खाना, मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, आज दोबारा आई हूँ ट्राई करने आप सबके लिए। तो अभी बहुत सारे आइटम्स आ चुके हैं, सारे के सारे। ये यहाँ का स्टार्टर है। प्राइस मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी आपको, क्योंकि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, कहीं मत जाइएगा। अभी बताती हूँ कितने कम प्राइसेस में यहाँ पे इतना सारा कुछ मिलता है। तो चलो एंजॉय। देख लो, सारे आइटम्स आ गए, मुझसे रहा नहीं जा रहा था तो मैं पहले ही खा ली हूँ। पिज्जा आया हुआ है, इसके अलावा गोलगप्पे हमने खाए, बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, इतना सारा कुछ। सिर्फ प्राइजेस सोच रहे हो आप, सोच सकते हो क्या प्राइजेस होंगे यहाँ के। इतनी सारी चीजें हो गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या खाऊं क्या छोड़ूं। अब ट्राई करेंगे। हाय हाय हाय, देख लो खाना औसम है, मजा आ रही है खाना खा के। अच्छी लगी कि नॉनवेज का सेक्शन ही उन्होंने पूरा अलग रखा हुआ है, वेज का अलग है। ये आप वेज निकाल रहे हैं नॉनवेज वाली प्लेट पे, यहाँ पे निकल रहा है। ये वेज सेक्शन है और ये नॉनवेज। अब हम ट्राई करेंगे इधर का नॉनवेज। ओके, फिश भी है यहाँ पे और चिकन तो ऑसम है। तो ये है फिश, देख रहे हो कितना स्मूथली, मजा आ रही है भाई। आज तो सी कबाब है यहाँ पे, सी कबाब मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। और जो यहाँ का पिज्जा है वो वेज ही है, नॉनवेज पिज्जा नहीं है यहाँ पे, एक ही है ना, एक वेज पिज्जा रखा हुआ है। चिकन के बहुत सारे आइटम्स है। अभी तो ये स्टार्टर है केवल, अभी सोचो अभी मेन कोर्स आने वाला है भाई, आज तो मजा आने वाली है। तो ट्राई कर रहे हैं हम सब कुछ, बहुत सही जा रहा है। उसके अलावा ड्रिंक्स है आगे, ये सब मैंने ट्राई कर लिया है। ये कौन सा ड्रिंक था? स्ट्रॉबेरी मार्गेटा। तो मजा आ गई ये सारा खाना ट्राई करके। अब हम जा रहे हैं मेन कोर्स की तरफ। अब मेरे बस का नहीं है ये खाना, क्योंकि अभी मुझे मेन कोर्स यहाँ का ट्राई करना है। अब देखो मेन कोर्स में क्या क्या है, पता चला है कि यहाँ की सिग्नेचर डिश है जो फलाफल है, और ये ट्राई करेंगे और देखेंगे किस चीज से बनाया। फिर ये दाल का फ्लेवर होता है, काफी हेल्दी है क्योंकि दाल के फ्लेवर्स इसमें आ रहे हैं।
बहुत यूनिक लग रहा है, बहुत ज्यादा टेस्टी तो है, नो डाउट। और जो क्रीमी सा सॉस आ रहा है ना, मजा आ रहा है। और ये है साल्सा पोटैटो, जिसको बिल्कुल गार्निश किया है बहुत अच्छे से, तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। टेस्ट करते हैं। वाओ, जो क्रीम का फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत लाजवाब है, मजा आ रहा है। बहुत दिन से मैं चिली विंग्स ढूंढ रही थी कहीं से मिल जाए, तो विंग्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे। आय हाय हाय, अच्छा इट इज। तो हम ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ का मेन मेन कोर्स, जहाँ पे ये है, ये देखो ये जो लिखा हुआ है, ये वो है, मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये है सिंगापुरी नूडल्स हैं, और इसके अलावा है काला मोती पुलाव। मतलब ये जो पुलाव है भी मैं खा के भी ट्राई करूँगी और बताऊँगी कैसा है इनका टेस्ट। और इसके अलावा पुलाव के अंदर वो जो चने नहीं होते हैं काले वाले, उस तरह की चीज़ें हैं। और ये है सालन मिर्च, ये मुझे, मैंने आने से पहले पता ये वीडियो टेस्ट किया था, ये चीज़, ये सालन बहुत टेस्टी लगा मुझे। मतलब मिर्ची का सालन मैं पहली बार खा रही थी और काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा इसका। और इसके अलावा ये इनकी सिग्नेचर डिश है, जो है दाल मखनी। और उसके अलावा ये वेज में है, ये क्या था नाम इसका, ये पिंडी छोले। ओके, ये है पिंडी छोले, जो काफ़ी पंजाबी तड़का दे रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें, ये 12 इनका मेन कोर्स में 12 तरह के वेज आइटम है, उसके अलावा नॉन वेज है। और ये है थाई, इसका नाम है वेज ग्रीन थाई करी। थाई करी की खासियत मुझे ये लगी अभी तक कि जो थाई करी का जो फ्लेवर आ रहा था, वो नारियल के थोड़ा टच दे रहा था, बहुत यूनिक है। मतलब अगर दोबारा मैं यहाँ फिर से आऊँगी तो इस डिश की वजह से, क्योंकि ये मुझे अभी यहाँ की टॉप द बेस्ट लगी मुझे। और उसके अलावा है ये चिकन का ही है, नॉनवेज में है, फ्राइड राइस है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये है मटन निहारी, जिसका टेस्ट भाई साहब, अभी मैं सब कुछ खा के भी आपको दिखाऊंगी, अभी मैं मेन मेन चीज़ें। और ये है हमारी प्यारी हमेशा की तरह बिरयानी, जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। उसके अलावा डिज़र्ट में इनके काफ़ी ऑप्शंस हैं, ये देखो ये कम से कम 30 से 40 हैं। और चीज़ें, किसी का बर्थडे हो रहा है, फिर से किसी का बर्थडे, अभी भी मैंने एक बर्थडे नोटिस किया था, अभी एक और। उसके अलावा इतनी सारी डिशेज हैं यहाँ पे डिजर्ट में। हाय हाय हाय, गुलाब जामुन हमेशा की तरह मेरे फेवरेट, और किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो ये देखो ये लोग बर्थडे भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हम चलते हैं आपको लेके, ये देखो बर्थडे हो रहा है, ये देखो बर्थडे इंजॉय कर रहे हैं, और केक वेक सब कुछ आया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा बारबेक्यू में, कि वो बर्थडे को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और उसके अलावा यहाँ ड्रिंक्स का सेक्शन भी है, और ये हैं ड्रिंक्स यहाँ पे। तो अभी हमने ड्रिंक्स बहुत सारे ट्राई किए थे यहाँ पे, सब ख़त्म किया है हमने। और काफ़ी तो सेक्शन, ये स्ट्रीट फूड है, जहाँ पे इन्होंने गोलगप्पे रखे हैं, चाट रखी है, और कुछ यूनिक चाट है यहाँ पे, मैंने उसका नाम मैं भूल गई हूँ, तो वो भी मैंने ट्राई किया था। और गोलगप्पे माशाल्लाह यहाँ के। और उसके अलावा कुल्फी भी है, कुल्फी और आइसक्रीम सेक्शन भी है। अच्छा, बारबेक्यू में ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ की, कि यहाँ कुल्फी भी मिल रही है। तो आपको क्या चाहिए? ओह माय गॉड, वनीला आइसक्रीम लेने के लिए आए हैं बुक्कड़, तो ले लो वनीला आइसक्रीम, ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। ओह माय गॉड, बहुत चूजी हो यार फिर तो तुम। मतलब मुझे बच्चों का बहुत अच्छा लगता है कि भाई, और यहाँ ये इनका किचन है, ओपन किचन, जहाँ आप खाना ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो बारबेक्यू में। और मजा आ गई भाई,
ये देखो मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट लगा है ये थाई करी, मतलब मैं फैन हो गई हूँ, अभी मैं भर के खाने वाली हूँ इस चीज को। ये चीज मेरी बेस्ट एकदम बेस्ट फेवरेट हो चुकी है, सूप भी है। इसके अलावा ये यहाँ का एम्बियंस है और यहाँ अच्छी वाइब्स है और काफी काफी सही जगह है यार। तो बिग ग्रिल में हमने अपने लिए हमने लिए थाई करी, जो मुझे सबसे यूनिक टेस्ट लगा यहाँ का। काफी अच्छा टेस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा और भी खाना हम निकलवा रहे हैं वहाँ पे, और हमारे लिए आ गई है यहाँ की नान, देख सकते हो आप। ये है बेसन वाली रोटियाँ और ये है नान और फिर लच्छा पराठा, सादिक नान भी है। बहुत औसम खाना है यहाँ पर, मज़ा आ रही है। और यहाँ एक अच्छी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एक केक मिलता है बर्थडे पे। यहाँ काफ़ी बर्थडे हो रहे हैं और केक सब काट रहे हैं, यहाँ पर मज़े आ रहे हैं। प्राइस जानने हैं कि नहीं जानने हैं आपको? जानने हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना, बताती हूँ क्या प्राइस है यहाँ पे। तो कैसा लगा तुम्हें खाना यहाँ का? ओवरऑल टेस्ट बहुत, मैंने कैसा लगे तुम्हें यहाँ का टेस्ट? पहली बात मैं बताऊंगा कि मैंने जब एंटर किया तो वाइब्स आ गई थी खाना अमेजिंग होने वाला है, तो वन बाई वन पहले हम लोगों ने कप में टेस्ट किया। वन बाई वन जो उनका मेन स्टार्टर मेन कोर्स जो भी था वो सब हमने टेस्ट किया, पहले एक एक बाइट टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर कि इनका खाना वेस्ट ना हो इसलिए हम लोग प्रॉपर एक छोटा छोटे बाउल में मैंने टेस्ट किया। फिर ओवरऑल उनके स्टार्टर्स में 28-29 समथिंग इनका मेन्यू था, तो हमने सारे स्टार्टर्स ट्राई किए एंड बेस्ट था। और इनका बाबी को जो है वो सबसे ज़्यादा मज़ा दिया। अब उसके बाद हम लोग बाबी को ट्राई करने के बाद हम लोग मेन कोर्स की तरफ गए। मेन कोर्स में मैं ट्राई कर रहा हूँ मटन और चिकन बिरयानी, हालांकि मैंने मटन ज़्यादा लिया हुआ, चिकन नहीं लिया हुआ। मटन निहारी है ये शायद? हाँ मटन निहारी है। और उसके अलावा इन्होंने हमें रोटियां दी हैं और ये थाई करी है। हाँ। और थाई करी के अलावा मजा आ रहा है यहाँ पे, खाना से लेके वाइब सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा है। आप बताती हूँ मैं आपको यहाँ का प्राइस, यहाँ का प्राइस क्या है। आपको 90 आइटम्स मिलेंगे सिर्फ 675 में, और जो इनका लंच है वो 675 में, और जो डिनर है वो समथिंग 700-800 के आसपास है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं, आप इंजॉय कराना चाहते हैं उन्हें खाना, और इसके अलावा पूरा पार्टी के मूड में आ रहे हैं, यहाँ पे बारबेक्यू से लेके आपको यहाँ पे मेन कोर्स और एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा सिर्फ 600-700 रुपये में 800 रुपये में। और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये हमें लगी कि ये हमें केक भी फ्री देते हैं बर्थडे वाले दिन। तो औसम खाना रहा, लाजवाब रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। तो रमन एक बार बता दो कि हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप बुकड़ हैं और खाने का मजा लेना चाहते हैं तो बने रहे चैनल पे, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आने वाली वीडियो हम नई नई जगह आपको एक्सप्लोर कराते रहेंगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि खाने का हर कोई शौकीन है, तो शौकीन हो जो भी हो भाई फॉलो करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई सभी लोग। तो आप सबने सब अच्छे से समझ लिया, रमन कह रहे हैं कि फॉलो करो लाइक करो, इतना ज्यादा खा लिया है कि एनर्जी खत्म हो चुकी है, अभी बोलने की भी शक्ति नहीं रही है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके द बिग ग्रिल में, और द इनका बफेट बहुत अच्छा है, बहुत सही चीजें हैं, बहुत औसम रहा। तो ये भी एंड करती हूँ वीडियो, मिलेंगे किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।